नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम जबरदस्त जड़ी बूटी के बारे में आपको बताना चाहते हैं जिसका नाम है छोटा धतूरा। ये जंगली जड़ी बूटी बरसात के मौसम में भारत के हर क्षेत्र में अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इस पर लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर लंबे, चपटे और कंटक युक्त फल लगते हैं। इसे कपड़े पर लगाने से चिपक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप गांव में बसते हैं तो इस वीडियो को देखकर आपको अपना बचपन जरूर याद आएगा, क्योंकि छोटे बच्चे इस फल से बहुत खेलते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, पहचान लीजिए इस जंगली जड़ी बूटी छोटा धतूरा को। इस प्रकार के आकार वाले और खुरदरे इसके पत्र होते हैं। ये पौधा जमीन से 1 से 4 फीट तक ऊंचा बढ़ता है। इसका संस्कृत नाम आर्तगल, हिंदी में वनोकरा और छोटा गोखरू कहते हैं। गुजराती में गाडरडी से जानते हैं, मराठी नाम संकेश्वर है और अंग्रेजी नाम कोकलबर तथा वैज्ञानिक नाम जैथियम टूमेरियम है। ये पूरा पौधा स्वाद में कड़वा, तिक्त, रक्तशोधक और कफवात शामक होता है। औषध कार्य में इसके सारे पंचाग का उपयोग किया जाता है। पंचाग यानी इसके पत्र, मूल, बीज और फल। ज़्यादातर लोग इस पौधे से डरते हैं, इसे जहरीला मानते हैं, लेकिन ये पौधा जहरीला नहीं है। ये पौधा जबरदस्त शक्ति बढ़ाने वाला होता है। इसके एक पत्र को रोजाना दूध में उबालकर पीने से स्तंभन शक्ति बढ़ती है और नपुंसकता दूर होती है। इसकी जड़ का पाउडर 5-7 ग्राम की मात्रा में कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से मलेरिया मिट जाता है और बलवृद्धि होती है। इसके पंचाग को उबालकर कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से पथरी टूटकर निकल जाती है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी गंजापन को मिटाने की एक चमत्कारिक बूटी है। अगर किसी के बाल झड़ गए हो या सिर में गंज आ गई हो तो ये जड़ी बूटी आपके लिए बहुत काम की है। इसके पत्रों का गुण कृमिघ्न होता है। इसमें कृमिनाशक गुण पाया जाता है। इसके पत्र पूरी तरह गंजापन को मिटा देता है। गंजापन मिटाने के लिए इसके ताजे, नए और कोमल पत्तों को साफ करके पीस ले और इसका एक लेप बनाए। पहले तो इसके कोमल पत्तों का एक गोला बनाकर पीस कर गंज पर घिसे। फिर कुछ समय बाद बनाए हुए लेप को इस गंज पर अच्छी तरह से लगा ले। अब इस लेप को 5 घंटे के बाद पानी से साफ कर ले। ये प्रयोग सप्ताह में 3 बार करना है। ये प्रयोग लगातार 2 से 3 मास तक करने से अवश्य ही बालों का गंजापन दूर होता है। इसके अलावा नारियल तेल के साथ इसके ताजे पत्तों के रस को सिद्ध करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल को रोजाना लगाने से भी बालों की सारी समस्याएं दूर होती है और गंजापन मिटता है। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने इस जड़ी बूटी का प्रयोग करके गंजापन से छुटकारा पाया है, ये लोग कमेंट्स में जरूर बताएं और रिजल्ट शेयर करें, क्योंकि और लोग भी इसका प्रयोग कर सके। तो दोस्तों, ये थी बालों की झड़ने की और गंजापन मिटाने की एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।